आलू और मूंग की दाल का चीला। तो आज तक तो हमने केवल मूंग की दाल का चीला बनाया है, लेकिन आज हम बनाएंगे आलू और मूंग की दाल का चीला। इसमें स्टफ आलू नहीं है, इसमें हम आलू पेस्ट में ही मिलाएंगे। तो इंग्रेडिएंट है मूंग की दाल पिसी हुई, ये आप इसको बड़े आराम से आप मिक्सी में पीस सकते हैं, और साथ ही में थोड़े से आलू, आलू को छीलकर, कच्चे आलू को छीलकर आप मिक्सी में दरदरा पीस लीजिए। इसको कच्चा कच्चा होगा और इन दोनों को आपने मिक्स करना होता है। मूंग की दाल में आप कच्चे आलू का पेस्ट भी मिक्स कर लीजिए, इससे क्या होता है अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप जब इसको बनाकर खाएंगे तो मूंग की दाल और आलू दोनों का ही टेस्ट आपको परत में आएगा। अब इसमें हमने थोड़े से मसाले ऐड कर लिए हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। आलू और मूंग की दाल को हम इतने अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि जो हम मिश्रण बनाएंगे उसमें हर जगह आलू भी हो और हर जगह मूंग की दाल का पेस्ट भी हो। आप जब आलू और मूंग की दाल का चिल्ला बनाते हैं तो वो ज़्यादा क्रिस्पी होता है, और क्रिस्पी के साथ साथ उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो आइए हम तवे पर इसको सेक लेते हैं। तवे पर हमने प्री हीटेड कर लिया तवे को, उसके बाद हमने 2 से 3 बड़े स्पून आलू और मूंग की दाल के पेस्ट के हमने डाल दिया है, और उसको अच्छे से हम फैला देंगे। अब क्या होता है, आलू को जब हम पीसते हैं ना तो वो थोड़ा सा दरदरा हो जाता है, मतलब बीच बीच में थोड़ा सा आएगा वो, लेकिन उसका जो क्रिस्प मुंह में आएगा क्योंकि वो सेकने से पक हो जाएगा, क्रिस्पी भी हो जाएगा साथ ही साथ, उससे क्या होता है जो टेस्ट आता है बड़ा ही क्रिस्पी होता है। जब आप इसको खाएंगे तो आप देखिएगा जो साधारण आप बनाते हैं केवल मूंग की दाल के चिल्ले, तो वो कितने डिफरेंट होते हैं अगर आप आलू के चिल्लों के साथ उनको बनाते हैं। आलू में मूंग की दाल मिलाइए, उसके बाद उसका क्रिस्प देखिए कितना चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से केवल आलू ही नहीं, अगर आप लौकी, अगर आपके बच्चे लौकी नहीं खाते हैं तो लौकी के भी आप छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में ग्राइंड करके साथ ही साथ उसके मूंग की दाल के जो मिश्रण है उसमें मिला दीजिए, फिर उसको आप सेकिए तो वो क्या होता है बच्चों को एक डिफरेंट काइंड का मूंग की दाल का चिल्ला भी मिल जाता है, और साथ ही साथ उनके अंदर सब्जियां भी चली जाती हैं, क्योंकि बच्चे सभी होते हैं वो लौकी वगैरह जो सब्जियां होती हैं उनसे हमें भागते हैं। तो जब ये थोड़ा सा तवे पर सिक जाता है तो उसमें हम हल्का सा ऑयल लगाते हैं। अभी इसमें आलू मिला होने के कारण बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगने से ही ये बड़े अच्छे से बड़े आराम से उतर जाता है। अदरवाइज क्या होता है मूंग की दाल का जो चिल्ला होता है वो उतरने में थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन इसमें क्योंकि कच्चा आलू मिला है तो बड़े आराम से ये उतरता है, और उतरने के साथ साथ क्रिस्पी भी बनता है। जब हम सेकते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम इसको दबा देते हैं, तो क्या होता है इससे क्योंकि इससे अंदर तक हीट चली जाती है और अंदर तक क्रिस्प बना रहता है, अदरवाइज क्या होता है थोड़ा कच्चा कच्चा रहता है। अब हमें इसे पलट कर जो है दोनों तरफ से सेकना है, और साथ ही साथ हम इसको थोड़ा थोड़ा दबाते भी रहेंगे जिससे कि ये क्रिस्पी हो जाए और अंदर तक सिक जाए, कच्चा ना लगे। अभी हम देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से हल्का हल्का इसमें पीछे से भी सिक रहा है, लेकिन हम इसको पलट पलट कर सेकेंगे। पलट पलट कर सेकने से क्या होता है क्रिस्पी ज्यादा आता है और जो चिल्ला होता है वो बड़े आराम से सिक जाता है। अभी हमारा चिल्ला तैयार हो गया है, अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो आप इसको ग्रीन चटनी के साथ खाइए, ये बड़ा ही